क्लास 9th में। आज हम लेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 लेंगे जो है ट्राइंगल से रिलेटेड। ट्राइंगल इसमें क्या आ रहे हैं आपके ट्राइंगल्स आएंगे, और फर्स्ट इसमें आएगा कॉन्ग्रेंट, यानी कॉन्ग्रेंस रूल, यानी कॉन्ग्रेंट। देखो टू सर्किल ऑफ द सेम रेडी, यानी कि टू सर्किल्स है जिनकी रेडियस है वो सेम है, तो दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। कॉन्ग्रेंट मीन्स आता है इक्वल, यानी कॉन्ग्रेंट मीन्स क्या आता है इक्वल होना। जैसे मान लो टू सर्किल है इनकी जो रेडियस है वो भी सेम है, रेडियस इज आल्सो इक्वल, जैसे 3 सेंटीमीटर एंड ये भी 3 सेंटीमीटर, यानी बोथ रेडियस आर इक्वल। सो डेट के क्या हो जाएंगे दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि इनकी जो रेडियस है वो क्या है इक्वल है। तो बोथ ट्राइंगल्स आर ए सॉरी बोथ सर्किल्स आर इक्वल, तो सो डेट इनकी बोथ जो सर्किल्स है वो क्या होंगे कॉन्ग्रेंट होंगे। और सेकेंड आता है इसके अंदर जो कॉन्ग्रेंट के रूल है जो आपके 9th क्लास में भी थे, इनकी जो सॉरी जो आपके 7th क्लास में भी थे ये रूल, तो वही रूल यहाँ काम आएंगे। 7th क्लास में आपने खूब रीडिंग की थी उन रूल्स की, कॉन्ग्रेंट रूल। और कॉन्ग्रेंट का साइन क्या आता है, जैसे कोई टू ट्राइंगल है जैसे ट्राइंगल ए बी सी एंड कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, कॉन्ग्रेंट का साइन, इस साइन का हम यहाँ यूज करेंगे। कॉन्ग्रेंट में साइन का आपको यूज करना है ट्राइंगल में, तो कौन सा साइन यूज में लेंगे, ये साइन हम यूज में लेंगे, ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। तो इसका फर्स्ट रूल है आपके एस एस, कॉन्ग्रेंट रूल कौन सा आ रहा है एस एस, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल। तो फर्स्ट रूल में देखो यहां पे एस एस मीन्स क्या आ रहा है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल, तो साइड एंगल साइड रूल। सपोज दो टू ट्राइंगल्स है आपके पास, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल है पी क्यू आर, सेकेंड ट्राइंगल है पी क्यू आर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड बिटवीन एंगल 50 डिग्री 50 डिग्री। यहां से हम कंपेयर करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल्स को क्या करेंगे यहां पर हम कंपेयर करते हैं, ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी, यानी इन ट्राइंगल एबीसी एंड सेकेंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। फर्स्ट देखो इसकी साइड, देखो यहां से ए बी साइड इक्वल टू पी क्यू साइड इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बोथ साइड्स आर, बोथ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, सो डेट ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका रीजन गिवन द पॉइंट हमारे क्वेश्चन में, सेकेंड है बी सी इक्वल टू क्यू आर, कि बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बिटवीन एंगल, एंड जो इक्वल है साइड इनका देखो बिटवीन एंगल हमारे पास इक्वल है क्या, यानी पी क्यू साइड एंड क्यू आर साइड इनका बिटवीन एंगल क्यू एंड ए बी साइड एंड बी सी साइड का बिटवीन एंगल क्यू, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 50 डिग्री। यहाँ पर हम कौन सा यहाँ पे जो रूल है कॉन्ग्रेंट का यूज करेंगे, यानी कि यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, इस रूल का हम इसमें यूज करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी एंड कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर एंड यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, तो इस रूल का हम यूज करेंगे। तो इस रूल का आपको अब मेन समझ में आ गया कि एनी टू साइड्स एंड बिटवीन एंगल इक्वल, यानी कि इन टू ट्राइंगल्स एनी टू साइड्स एंड इट्स बिटवीन एंगल इक्वल है तो बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल, अकॉर्डिंग एस ए एस कॉन्ग्रेंट रूल। एंड सेकेंड है आपके ए एस ए, सेकेंड रूल है वो है ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल, सेकेंड रूल है ए एस ए। चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 7 सेकेंड रूल है ए एस ए कॉन्ग्रेंट रूल, यानी एंगल साइड एंगल, एस मीन्स
एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। तो फर्स्ट में देखो इसके अंदर भी टू ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी, सेकेंड ट्राइंगल है डी एफ, एंगल डी ई एफ, यानी इसमें सीधी सी बात है देखो एंगल एंगल यानी टू एंगल्स एंड बिटवीन साइड इक्वल है, टू एंगल्स एंड बिटवीन साइड इक्वल है कि इफ टू एंगल्स एंड बिटवीन साइड आर इक्वल इन टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स यानी बिटवीन साइड एंड टू एंगल। फर्स्ट एंगल सपोज करो ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड रिमेनिंग साइड ए बी आ गई बिटवीन साइड, इसमें एंगल ए एंड एंगल बी बिटवीन साइड कौन सी आ गई ए बी, एंड ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो यहां से इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल है डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ। तो हम इन ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बिटवीन साइड, बिटवीन साइड देखो एंगल ए एंड बी के बिटवीन साइड ए बी एंड डी ई साइड, तो एंगल ए सॉरी साइड ए बी इज इक्वल टू साइड डी, साइड डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड यूजिंग ट्रिपल ए यानी एंगल एंगल साइड। तो सो दैट इसको क्या कहेंगे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल इसका यूज करेंगे हम, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल यानी फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी एंड कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रिपल एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, साइड 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 यानी टू ट्राइंगल है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल है, ऑल साइड्स कोरस्पोंडिंग ऑल साइड्स आर इक्वल, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम चले यानी फर्स्ट देखो ये ट्राइंगल आपके पास, सेकेंड ट्राइंगल इसे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, या इसको ले लेते 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, पी क्यू आर एंड एक्स वाई एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट साइड देखो इसमें पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड सेकेंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इनको कंपेयर लेते हैं, कंपेयर करते हैं इन बोथ ट्राइंगल्स को। तो फर्स्ट पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सेकेंड क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड पी आर, पी आर इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सो दैट यूजिंग, अब इसमें हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं यहां से, ट्रिपल एस रूल यानी एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल यानी ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। एंड लास्ट रूल है इसका आर एच एस रूल, ओनली 4 रूल्स इसमें काम आते हैं, लास्ट रूल कौन सा इसमें आर एच एस, इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय आर एच एस रूल, इनके जो सेकेंड है आपके जो लास्ट है रूल कौन सा है आर एच एस रूल, लास्ट रूल हम यूज कर रहे हैं इसमें आर एच एस रूल, इनकी राइट
एंगल यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड साइड, जिसका रूल का नाम क्या आ जाएगा शॉर्ट में आरएचएस, आरएचएस समकोण कर्णभुजा, हिंदी में क्या बोलते हैं समकोण कर्णभुजा, यानी कि हाइपो यानी कि फर्स्ट में क्या आएगा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, इस रूल का हम यहाँ यूज करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा कि इफ इन टू राइट एंगल ट्राइंगल, कितने हैं राइट एंगल ट्राइंगल टू है आपके पास, यानी कि हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल एंड अदर ट्राइंगल, यानी कि देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल, या फर्स्ट ट्राइंगल इन एबीसी, एबीसी हाइपोटेनियस यानी कि 90 डिग्री अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, तो सो दैट एसी इज हाइपोटेनियस एंड एक्स वाई जेड एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री सो दैट एक्स जेड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, एक्स जेड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। यहां से हम लेंगे फर्स्ट में, जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल यानी इन ट्राइंगल एबीसी एंड सेकेंड ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल्स को हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं इनको ट्राइंगल्स को। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा राइट एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन ए पॉइंट आपको क्वेश्चन में, ये पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आ गई आपके पास साइड। एंड थर्ड ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस। तो हम यहां पर कौन सा रूल यूज करेंगे इसके अंदर, आर एच एस, आर एच एस यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल यूजिंग, या हम यूज कर सकते हैं यूजिंग आर एच एस कॉनग्रेंट रूल, कॉनग्रेंट रूल यानी कि कॉनग्रेंट मीन्स क्या आ गया बिल्कुल से इक्वल होना, सेम टू सेम फिगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं यूजिंग आर एच एस कॉनग्रेंट रूल। जैसे आपके लिए दोनों हाथों की जो हथेली है वो बिल्कुल से कॉनग्रेंट है, इक्वल है, आपके दोनों जो ईयर है कान है वो भी क्या है कॉनग्रेंट है, आपके जो फाइव फिंगर्स हैं जो फिंगर्स है आपकी वो भी क्या है कॉनग्रेंट है। जैसे दोनों हाथों को हम इस प्रकार से मैच करें आपस में, देखो दोनों हाथों को इस प्रकार से मैच करेंगे तो बोथ फिंगर्स आर इक्वल, तो सो डेट जो बोथ हैंड है या जो हथेलियाँ हैं ये आपकी क्या होगी कॉनग्रेंट होंगी। तो यूजिंग आर एच एस कॉनग्रेंट रूल, फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी एंड कॉनग्रेंट है एक्स वाई जेड, एंड कॉनग्रेंट है ट्राइंगल जिसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉनग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड सीपीसीटी, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में सीपीसीटी कहते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं 7.1, 7.1 एक्सरसाइज में अब लेते हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आपको ये रूल है, रूल को नोट भी करना है साथ में इनको लर्न भी आपको करना है, याद करना है रूल को आपको और इनको याद भी करना है रूल। अब चलते हैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट हमारे पास, इसको केयरफुली रीडिंग करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करो। क्वेश्चन में है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ये फिगर है आपके पास ए सी बी डी, ए सी बी डी आपको इस स्केल से फिगर बढ़ानी है, ए सी बी डी, ए सी बी डी, एक मिनट, ए सी बी डी इस प्रकार से फिगर है क्वेश्चन में, इसका नाम एंगल ए डी बी एंड सी एंड ये बोथ एंगल्स आर इक्वल,
क्वेश्चन में देखो, इन क्वाड्रिलेटर एसीबीडी, एसी इक्वल टू एडी, एसी इक्वल टू एडी, यानी इन क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटर एसीबीडी, एसीबीडी एंगल, सॉरी एसी इक्वल टू एडी, एसी इक्वल टू एडी, एसी साइड इक्वल टू एडी साइड, एसी इक्वल टू एडी, गिवन में पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एंड एबी बाईसेक्ट एंगल ए, यानी कि एबी क्या कर रही है, इसको बाईसेक्ट कर रहा है, कि एबी इज बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए सी ए डी वी, आप इसको लिख सकते हो या डी ए सी। यहां पर हम क्या लिखेंगे, एबी इज, यानी कि एबी इज एंगल बाईसेक्टर, एंगल बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। यहां पर आप इसको केयरफुली एक बार और समझ लो, देखो एबी इज एंगल बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए, कि यानी कि ये एबी क्या है, एंगल ए का एंगल बाईसेक्टर है, तो ये बोथ पार्ट आर इक्वल, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। नेक्स्ट है यहां से, एंड शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए बी बी। आपको यहां पे प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, सेकंड पॉइंट आता है प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है इसके अंदर, यानी कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी डी, ये आपको पॉइंट प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है उसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ अब लेंगे, जो प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर हमारे को प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ये पॉइंट गिवन है आपको, ये पॉइंट क्या आ गया गिवन, और ये हमारे को इसमें प्रूफ डेट, शो डेट या प्रूफ डेट, एक ही बात है दोनों। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें प्रूफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसमें प्रूफ। अब प्रूफ में हम लेंगे तो कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इनको कंपेयर करते हैं इसके एक्सपोनेंट्स को। तो फर्स्ट के अंदर देखो ए बी साइड इज इक्वल टू ए बी साइड, इनके बोथ साइड्स आर कॉमन, ए बी साइड आर कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, ए बी साइड इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, यानी इन ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है, इसमें ए बी साइड, तो यहां से हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, इसका रीजन कॉमन साइड, रीजन आपको यहाँ गिवन में देना है कॉमन साइड, फर्स्ट आ गया। सेकेंड पॉइंट पे ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी ए सी तो इस ट्राइंगल में, तो इधर का पार्ट है ए बी सी वाला, सेकेंड ए बी डी है तो इसको इस साइड में, यानी कि आर एच एस में आपको किसको लिखना है, किसके पार्ट को, इन ट्राइंगल ए बी डी के जो पार्ट आएंगे उसको किस में लिखना है, आपको आर एच एस में, और इसमें एल एच एस में ट्राइंगल ए बी सी के पार्ट को हम लिखेंगे एल एच एस साइड में, तो ए सी इज इक्वल टू ए डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, इसका रीजन क्या आएगा गिवन, एंड वन एंगल इज इक्वल, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, रीजन इसका भी गिवन। अब यहां आप यानी इसमें कौन सा रूल हम यूज कर सकते हैं, टू साइड है, टू साइड है ए सी एंड ए बी, सेकेंड है ए बी एंड ए बी, एंड बिटवीन एंगल, एंड बिटवीन एंगल वन एंड टू, तो यहां सो डेट यूजिंग एस एस कॉन्ग्रेंट रूल, यूजिंग एस एस कॉन्ग्रेंट रूल, कॉन्ग्रेंट रूल कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल ए बी, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे देखो क्वेश्चन के अंदर, और आप फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो, देखो फिर दे रखा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, क्या बी सी एंड बी डी के बारे में भी क्या कह सकते हो, तो इसका रीजन क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू बी डी, यानी बी सी इज इक्वल टू बी डी, यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी सी इज इक्वल टू बी डी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि इसका रीजन क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आप यहां राइट कर सकते हो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, corresponding parts of congruent triangle, of congruent triangle,
of congruent triangles are equal. और इस पूरे को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, CPCT. तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, CPCT. CPCT means क्या आ जाएगा, corresponding parts of congruent triangle are equal. तो यहां पर हम लिख सकते हैं यूजिंग सीपीसीटी या बाई सीपीसीटी, या शॉर्ट में आपको क्या लिखना है, बाई सीपीसीटी. सीपीसीटी मीन्स क्या आ गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल. तो यहां से जो बीसी साइड और बीडी साइड यहां पर क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो यहां पर क्या होंगे, इक्वल हम शो कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम सेकेंड. फर्स्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस आपको करनी है, फर्स्ट क्वेश्चन की. सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका, यानी कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल. सेकेंड क्वेश्चन को रीडिंग करो, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल. सेकेंड क्वेश्चन में एबीसीडी के आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है आपके पास. ये फिगर आपके पास इस टाइप से है. को मैच कर रखा है BC BC DA, एंड इनको ज्वाइन किया हुआ है आपको AC एंड BD. इन पार्ट्स को ज्वाइन कर रखा है, एंड AD इज इक्वल टू BC. देखो क्वेश्चन में ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC. यहां से लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD. AD इज इक्वल टू BC. फर्स्ट में गिवन में क्वेश्चन में AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB. अब देखो DAB कौन सा एंगल है, DAB एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CBA CBA एंगल CBA सी फिगर एंड फिर है प्रूव डेट. ये आपको गिवन में प्रूव डेट, प्रूफ क्या करना हमारे को, प्रूफ करना इसके अंदर फर्स्ट है ट्राइंगल एबीडी, ट्राइंगल एबीडी एबीडी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC. एबीडी एबीडी इक्वल टू BAC. सेकेंड इसमें प्रूफ करना इसी क्वेश्चन में BD इज इक्वल टू AC. यानी BD इज इक्वल टू AC. कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाएगा यूजिंग CPCT से हम फाइंड कर सकते हैं इसको. एंड थर्ड है एंगल, एंगल ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC. तो फर्स्ट में ओनली आपको इनको कॉन्ग्रेंट शो करना है. क्या करना है, क्वेश्चन में ओनली इनको कॉन्ग्रेंट शो करेंगे, फिर यहां यूज करेंगे यूजिंग CPCT. तो CPCT से जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो BD इज इक्वल टू AC, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. इनको हम कैसे लेंगे, फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स से हम इनको इक्वल शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्रूफ वाले पोजिशन में चलते हैं, प्रूफ वाले पॉइंट में. तो प्रूफ में इन ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा लेंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ABD. ये आपको लेना है, जो प्रूफ करना है वही नहीं हम ABD. एंड सेकंड ट्राइंगल हम यूज करेंगे BAC एंड ट्राइंगल BAC. एबी यानी कि कॉमन साइड ऑफ AB, AB इज कॉमन साइड है क्या, देखो बोथ में ABD एंड BAC कॉमन पार्ट यहीं से आपके पास आ रहा है, BA या AB. तो अब फिगर को देखते हैं, ABD एंड ABC. तो यहां से AB इज कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, तो AB इज इक्वल टू कॉमन साइड इन बोथ ट्राइंगल्स. नेक्स्ट यहां से AD इज इक्वल टू BC, यहां से कौन सी साइड आ रही है, AD इज इक्वल टू BC. इसका रीजन क्या आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन में ये पॉइंट आपको. थर्ड और थर्ड नंबर पे एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा आ रहा है, BAD, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल
CBE, इसका रीजन भी क्या आएगा, गिवन। अब यहां से आप कौन सा रूल यूज करोगे, टू साइड एंड बिटवीन एंगल, आपके पास टू साइड्स हैं एंड बिटवीन एंगल है इसमें, तो यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल कि ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAC एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड corresponding sides and corresponding angles are equal, इसका यूज करेंगे। और इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, CPCT, शॉर्ट में इसको क्या राइट करेंगे, CPCT। तो so that BD equal to BC corresponding side, देखो यहां से BD and AC, BD equal to AC, तो फर्स्ट में यहां से कौन सी आएगी, BD equal to AC, तो BD equal to AC, और नेक्स्ट आपके पास में कौन सा आएगा लास्ट, एंगल ABD equal to BAC, एंगल ABD equal to एंगल BAC, और ये पॉइंट हमारे को प्रूफ करना था, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट आपका प्रूफ हो गया, ये थर्ड प्रूफ हो गया, लास्ट में क्या लिखेंगे, HP, hence probe। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है, तो 2 क्वेश्चन आपके इसके कंप्लीट है 7.1 के, नेक्स्ट में हम क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th, 6th तक, और इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन है टोटल, इस एक्सरसाइज 7.1 में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8 है, और इन क्वेश्चनों को लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी है और इनको होमवर्क में भी करते हुए देखना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, और 10th क्लास में आपने चलेगी सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी से पहले आपको जो कॉन्ग्रेंसी है ये आनी चाहिए, तो आपको इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।